सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इन 6 स्टॉक्स को लेकर, जहां पर हमें कुछ ना कुछ खबरें आते हुए नजर आई है और आगे क्या कुछ इनके जो ना भी मोमेंटम बन सकते हैं। तो बहुत से निवेशकों के लगातार कमेंट आ रहे हैं इन शेयरों को लेकर, तो चलिए जानते हैं डिटेल में, करते हैं डिस्कस। पहला शेयर हमारा रहेगा भी हुडको। हुडको के अंदर वो खबर आ गई है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हालांकि स्टॉक आज 1% के आसपास जरूर टूटे हैं, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी NBCC, ये शेयर भी 2% के करीब टूटे हैं, और SJVN, NHPC, इरेडा और आप लोग देखोगे IRB इंफ्रा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हुडको से। हुडको में आप लोग देखोगे खबर आते हुए नजर आई है। चलिए सबसे पहले वो न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हुडको की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया आज के दिन। NSE BSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर कंपनी ने जो अभी अपनी जो क्या बोलते भी रिजल्ट डेट है वो अनाउंस कर दी है। रिजल्ट डेट अनाउंस की भी कंपनी 12 तारीख जी हाँ 12 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी। तो तैयार रहना भी 12 तारीख, याद रखना 12 तारीख के आसपास है। 12 तारीख से पहले हमें स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अभी टाइम स्टॉक आप लोग देखोगे 312 रुपये के आसपास है, 310 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर एकदम से पैसा डालना नहीं है मार्केट के अंदर, मैंने आपको पीछे भी समझाया, एकदम पैसा डालना नहीं है। हाई प्राइस से कितना गिरावट में 15% है, तो SIP स्टार्ट कीजिए भाई अच्छी क्वालिटी के शेयरों में, ठीक है। और ये SIP हर 5% की गिरावट पर होनी चाहिए। हर 5% की गिरावट पर हमें चाहे 2 शेयर देने पड़े चाहे 1 शेयर देना पड़े, वो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए। कम से कम 6 महीने के लिए जरूर इन शेयरों को होल्ड कीजिए, और 6 महीने में हुडको आप लोग देखोगे ऊपर में आपको 380 to 400 रुपये तक के मूव ऊपर में दिखा सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। हमारा नेक्स्ट स्टॉक अभी NBCC। NBCC में आज हमें फिर 2% के करीब गिरावट देखने को मिली है। एक बार तो रिकवरी बन गई थी स्टॉक में, लेकिन लास्ट में आते आते स्टॉक फिर 2% के करीब फिसला। अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इस कंपनी के रिजल्ट डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है। ये जो कंपनी है वो आप लोग देखो अपने जो रिजल्ट है वो 10 से 20 अगस्त के बीच में जो है अभी डिस्क्लोज करते हुए नजर आएगी। तो जैसे इसकी डेटा आएगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। इस गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना भाई, ठीक है, गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना। स्टॉक अपने हाई प्राइस से हमें एक अच्छी खासी गिरावट में भी देखो लगभग 6-7% के आसपास गिरावट में अभी भी है, और यहाँ पर अभी होल्ड कर चलना ठीक है। इस शेयर में पैनिक सेलिंग का तो मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट बना, इसका बाउंड वीक हाई जो लगभग 170 रुपये के आसपास था जब इसने बनाया फरवरी के अंदर, वहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई। गिरावट के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी आई है, अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के चांस है ऊपर में और जाने के। तो इसे अभी होल्ड करना आई थिंक ठीक है अभी NBCC को। चलिए इसका जो टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर में 210 रुपये के आसपास 220 रुपये के आसपास के जो मूव है वो हमें रिजल्ट्स के दौरान स्टॉक दिखा सकता है। तो रिजल्ट के इसके जो भी 10 से 20 तारीख के बीच में आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगले शेयर हमारे देखो भी SJVN NHPC। SJVN आप लोग देखोगे ऊपर से फिर से गिरावट में आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है वो आप लोग देखोगे 8 तारीख को आने वाले रिजल्ट SJVN के, या फिर इससे पहले है भाई। कल की वीडियो मैंने आपको डेट बताई थी आई थिंक SJVN की। SJVN में अपने जो रिजल्ट डेट है वो अनाउंस कर दिया 9 तारीख है भाई। 9 तारीख को कंपनी अपने रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी, और 7 तारीख की अभी NHPC की, ठीक है। तो 7 तारीख को NHPC और 9 तारीख को SJVN, तो इन दोनों कंपनियों ने भी अपनी रिजल्ट डेट अनाउंस की हुई है। तो SJVN NHPC दोनों को होल्ड करना इस लेवल के ऊपर ठीक है भाई। इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। हालांकि NHPC को लेकर खबर आई, चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो भी NHPC के अंदर भी हमें ये न्यूज़ देखने को मिली है, और इसे भी आप लोग ये पर पढ़ लेना वीडियो को पहुँच के कि NSE BSE की साइट के ऊपर भी जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसके अंदर कुछ एक चेंजेस वगैरह किए गए हैं, ये आपके सामने अभी देख सकते हो। ये आपको जो भी जिनके नेम हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो ये चेंजेस आए हैं हल्के फुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भी ठीक ही है, ठीक है। ये ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट नहीं डालने वाले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला शेयर है इरेडा। इरेडा ने भी आप लोग देखोगे आज के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद ये न्यूज़ पब्लिश की है। NSE BSE की साइट पर आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया, कंपनी ने यहाँ पर अपडेट दिया है देखोगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट देर इज ए चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर भी आप लोग देखोगे अभी चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट टीम में, तो उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पर बताया है। तो ये आपको जो अभी देखने को मिल जाएंगे क्या कारण रहे हैं चेंजेस के क्या नहीं, तो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अपने ब्रीफ डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिले, इतने पढ़ लेना भाई। तो यही अपडेट है और तो कुछ भी नहीं है यार इरेडा के अंदर भी। इरेडा आप लोग देखोगे अपने हाई से जो कि 310 रुपये है, ठीक है, वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट में है ना,
260 रुपये के आसपास है अभी ये टाइम। तो ये शेयर 15% के करीब टूट चुका है ऊपर से, तो यहाँ पर SIP का टाइम आ चुका है। तो इरेडा के अंदर अगले 6 महीने के लिए एक अच्छी खासी बाइंग करना है, तो SIP में करना भाई, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करते रहना है। रिजल्ट वगैरह इसके आ चुके हैं, आगे देखते हुए कोई खबरें आएंगे तो ही स्टॉक में एक्शन देखने को मिलेगा, अभी के टाइम तो स्टॉक बिल्कुल शांत है। अगला शेयर अभी हमारा IRB इंफ्रा में आप लोग देखोगे भी काफ़ी टाइम हो गया स्टॉक बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, ठीक है। पब्लिक यहाँ पर बिल्कुल परेशान है, पिछले 4-5 महीने से आप लोग देखोगे स्टॉक टस से मच ही नहीं हो रहा भाई, ठीक है। ऊपर जाता है फिर स्टॉक उसी लेवल पर आ जाता है, 66 रुपये 67 रुपये उस भाव में स्टॉक कंसोलिडेट करने लग जाता है। आज तो स्टॉक में 0.5% के आसपास गिरावट भी हुई है, तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी के टाइम में शेयर में जो ना अभी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, जैसा है वैसा स्टॉक को रखना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से तो भाई, और इसमें ऊपर में एक अच्छा मूव बनेगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस हमें दिखाना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया स्टॉक एक स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड में तो है, इसके अंदर ऐसा तो नहीं अभी स्टॉक ऊपर चला और फिर नीचे आया है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर अभी हम चलेंगे इसके अंदर होल्ड कंसोलिडेट कर रहे हैं, जब ब्रेकआउट आएगा तो 100 रुपये के आसपास के मूव स्टॉक में बनना तय है, ठीक है। तो अब इसके आगे रिजल्ट के ऊपर वेट करेंगे, रिजल्ट आने वाले हैं इसके आप लोग देखो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी आ सकते हैं। डेट अनाउंस अब तक हुई नहीं है, डेट अनाउंस होते ही आपको जो अभी साझा कर देंगे आपके साथ। इसके अलावा इन शेयरों में कुछ आपको पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।